Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adeel Mehboob and today we are going to discuss output devices. Output devices में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मॉनिटर का, डिस्प्ले स्क्रीन्स का. उसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो उस पर अफेक्ट करते हैं. आज हमने जो आउटपुट डिवाइस पढ़नी है वो है हमारे पास प्रिंटर. प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करती है, और हमने पढ़ा था कि हार्ड कॉपी आउटपुट ऐसी आउटपुट होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो प्रिंटर से जो हमें आउटपुट मिलती है वो प्रिंटेड आउटपुट होती है. चूँकि वो प्रिंटेड होती है तो उसको हम हाथ लगा सकते हैं, इस वजह से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है हमारा प्रिंटर. तो प्रिंटर जो है इसकी भी आगे से कुछ टाइप्स हैं. प्रिंटर एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है. जिस तरह से डिस्प्ले स्क्रीन भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ा था, इसी तरह से प्रिंटर भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है, ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर की हमारे पास दो टाइप्स हैं. नंबर वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नंबर टू इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें प्रिंटिंग के दौरान पेपर को फिज़िकली इम्पैक्ट किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है. इंक रिबन होता है, इंक रिबन पे पिन्स आके लगती हैं और पिन्स के साथ इंक रिबन जाके पेपर पे लगता है तो वहाँ पे इंक लग जाती है और वहाँ पे इसी तरह से प्रिंटिंग हो जाती है, वहाँ पे करेक्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं. यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ आपको तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जिनमें पेपर को फिज़िकली स्ट्राइक किया जा रहा है. जैसे अगर मैंने इसको बोर्ड पर लिखना है तो मुझे इस मार्कर को इस बोर्ड के साथ फिज़िकली कॉन्टैक्ट करवाना पड़ेगा, फिजिकली टच करवाना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं यहाँ पे रखूँगा तो सिर्फ इंक आके लग जाएगी, कोई चीज़ फिजिकली इसके साथ ही लगेगा, ऐसा नहीं होता. इसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है कि फिज़िकली कोई चीज़ जाके पेपर पे कॉन्टैक्ट करती है, पेपर को फिज़िकली टच किया जाता है, फिज़िकली स्ट्राइक किया जाता है, फिर ही वहाँ पे प्रिंटिंग होती है. जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें पेपर को फिज़िकली स्ट्राइक ही नहीं किया जाता, सिर्फ इंक आके लगती है वहाँ पर. यानी कि इन प्रिंटर्स में कोई चीज़ फिज़िकली स्ट्राइक नहीं करती, इंक खुद ही आके पेपर पर लगती है. तो इसका मैकेनिज़म इंशाल्लाह देखेंगे आगे, लेकिन आज हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ने हैं. तो यहाँ पर देखेंगे इसमें ऐसा क्या कैसे होता है कि सिर्फ इंक आके लगती है. तो वो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मैथडोलॉजी है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे. इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये ओल्ड प्रिंटर्स हैं. इनमें जो तरीकाकार फॉलो किया जाता है प्रिंटिंग के लिए वो एक ओल्ड टेक्निक है. क्योंकि वो ओल्ड टेक्निक है इस वजह से अब ये इस्तेमाल नहीं होते, और वैसे बड़े नॉइजी होते हैं ये प्रिंटर्स, इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स अगर हम कंपेयर करें तो हर लिहाज से ये अच्छे नहीं हैं. ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हमारे पास मज़ीद तीन टाइप्स हैं. एक है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें वही मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, इंक रिबन होता है, पिन्स होती हैं और पेपर होता है, ये भी मैं डिटेल से बताता हूँ आपको. लेकिन पहली बात इसमें यह है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो दिखने में सेम वैसा ही होता है जैसे हमारा ट्रेडिशनल टाइपराइटर हुआ करता था. आपको पता है ट्रेडिशनल टाइपराइटर से मुराद रवायती टाइपराइटर जो पहले इस्तेमाल होते थे, आज भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं. तो टाइपराइटर जो हैं उनका जैसा मैकेनिज्म था, वो उनकी जैसी बनावट थी, सेम वैसी बनावट हमारी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की होती है. अब इसमें वर्किंग कैसे होती है, होता ये है कि इसमें ऊपर पिन्स होती हैं. याद रखिएगा कि ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता, इस पर जो हम टाइप करते हैं ऑन द स्पॉट वहाँ पे प्रिंटिंग होती रहती है. कंप्यूटर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, कंप्यूटर से इसको नहीं अटैच किया जाता. आज तो हम ऐसे करते हैं ना कि टाइप कर लिया, उसमें कोई गलती है देख लिया, प्रूफ रीड कर लिया, 10 दफ़ा प्रूफ रीड करें, 15 बार करें, कोई मसला नहीं. लेकिन एट द एंड जब सारी प्रूफ रीडिंग हो जाती है फिर हम प्रिंट के लिए भेजते हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें जैसे हम लिख रहे हैं ऑन द स्पॉट लिखा जाएगा. जैसे ही मैं बोर्ड पर लिखूँगा तो जैसे मैं लिखता जाऊँगा रियल टाइम में उसी टाइम पर लिखा जाएगा. लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इनमें वही है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी टाइम पे वहाँ पे लिखा जाएगा. होता ये है कि सबसे ऊपर तो एक प्रिंट हेड होता है. प्रिंट हेड से मुराद है पिन्स होती हैं, पिन्स का सेट होता है. जैसे हमारे कीबोर्ड के ऊपर होती है ना कीज़, तमाम अल्फ़ाबेटिक कीज़ और न्यूमेरिक कीज़, उसी तरह से इसके ऊपर बटन्स बने होते हैं, कीज़ बनी होती हैं. उन कीज़ को हम प्रेस करते हैं और फिर टाइपिंग करते हैं. उन कीज़ के बैक साइड पर पिन्स लगी होती हैं, उन पिन्स के ज़रिए से वो करेक्टर बना होता है. जैसे अगर ए वाला बटन है ए, तो इसकी जो बैक साइड है वहाँ पिन्स की मदद से ए लिखा होगा. ठीक है, इस तरह से ए लिखा होगा, इन पिन्स की मदद से ए लिखा होगा. अब जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे, मतलब इसको प्रेस करेंगे की को, तो नीचे एक लगा होता है इंक रिबन. इंक रिबन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर इंक होती है लिक्विड फॉर्म में.
लिक्विड फॉर्म में इंक होती है, मतलब वैसे इंक जैसे हम अपने पेन में भरते हैं या अपने मार्कर में डालते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में इंक होती है, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में इंक होती है। ये जो पिन्स हैं ये आके इंक रिबन के साथ स्ट्राइक करती हैं, और इंक रिबन के साथ हम इसको मतलब ज़ोर से प्रेस करना होता है ताकि जाके नीचे जो पेपर पड़ा है उसके ऊपर भी लगें। तो जाके पेपर पर स्ट्राइक करते हैं, तो जहाँ चूँकि पिन से ए लिखा हुआ था तो जहाँ जहाँ पे पिंस थी वहाँ वहाँ पे इंक रह जाएगी, और पेपर के ऊपर जो है वो ए वाला करेक्टर वो फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से जो भी पिन हमें, जो भी की होगी, जो भी बटन होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे या टाइपराइटर पे भी ऐसे ही होता है, उसके नीचे पिन्स के ज़रिए से वो करेक्टर बना होता है। तो जब हम प्रेस करते हैं वो जाके उसके साथ लगता है। इसको हमें ज़ोर ज़ोर से बटन्स को प्रेस करना पड़ता है, इस पर हमें पावर के साथ स्ट्राइक करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि अगर हम हल्का प्रेस करेंगे तो वो इंक रिबन तक ही सिर्फ पहुंच सकेगा, या शायद इंक रिबन तक भी ना पहुंचे। तो ज़ोर से प्रेस करेंगे तो नीचे जाके पेपर पे लगेगा और उसके ऊपर फिर करेक्टर फॉर्म करेगा, और जितना जितनी ज़्यादा हम पावर से स्ट्राइक करेंगे उतनी ज़्यादा इंक उसके ऊपर इंपैक्ट होगी और उतनी उसकी क्लैरिटी वहाँ पर होगी, वरना वो हल्की हल्की सी वहाँ पर प्रिंटिंग नज़र आती है हमें। इसलिए ये नॉइज़ी प्रिंटर्स हैं, इनमें बड़ा शोर पैदा होता है, ज़ोर ज़ोर से टाइपिंग करनी पड़ती है। अगर आपने कहीं टाइपराइटर पर काम करते देखा हो तो ज़ोर ज़ोर से प्रिंटिंग करते हैं, और वो जो उनका प्रिंट हेड होता है जो वो उसके अंदर लगे होते हैं हैमर। हैमर से मुराद यही है जो मैंने बताया कि ये जो पिन्स बनी होती हैं उसके नीचे बटन के नीचे, वो हैमर होता है, वो ज़रा भारी होता है, वो जाके स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर तो वहाँ पे इंक लग जाती है और करेक्टर हमारा बन जाता है। इस वजह से ये नॉइज़ी होते हैं क्योंकि इनसे बड़ा शोर पैदा होता है। दूसरा इनका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर हम पिक्चर्स वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते, हम जो टाइप करेंगे वही प्रिंट होगा। और तीसरा इसका ड्रॉबैक ये है, कोई गलती हो गई है तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग कर रहे हैं। फिर जब वो प्रिंट होके बाहर आएगा पेपर, तो फिर हमें उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, कोई वाइटनर करना पड़ेगा या कटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर हमने कोई राइटिंग का स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्टाइल चेंज करना है तो उस स्टाइल का पूरा प्रिंट हेड, मतलब पिंस का पूरा सेट मिलेगा मार्केट से, उस स्टाइल का पूरा प्रिंट हेड ला के वहाँ पर हमें उसमें फ़िट करना पड़ेगा, और उसी प्रिंट हेड का जो है वो स्टाइल वही फिर नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसके अंदर वर्किंग होती है। अब टाइपराइटर में एक रोड होता है, जब एक लाइन पूरी लिख दी जाती है तो वो रोड को जो है वो ऊपर कर खींचते हैं, जिसकी वजह से वो एक लाइन ऊपर हो जाता है, फिर हम लिखते हैं एक लाइन लिखी जाती है, फिर पेपर एक लाइन ऊपर हो जाता है, तो एक एक लाइन करके पेपर बाहर आता रहता है। लेकिन इसके अंदर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चूँकि ये प्रिंटर है, इसके अंदर रोड नहीं होता बल्कि इसके साथ एक बटन लगा होता है, डायग्राम में आपको नज़र आ जाएगा, और जैसे हमारा वॉल्यूम बटन होता है गोल सा, उसको हम ऐसे रोटेट करते हैं तो एक एक लाइन करके पेज हमारा ऊपर आता जाता है, जिस वजह से मूव करता है पेपर, जिस वजह से हम जो लिखते हैं वो उसके ऊपर बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद इंपैक्ट प्रिंटर में जो हमारी दूसरी टाइप है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जो कि प्रिंटिंग वैसे ही करता है, मैकेनिज्म वही है जैसे हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का है। मतलब कौन सा मैकेनिज्म, पिन्स वाला, बटन्स वाला, और नीचे इंक रिबन और पेपर, बाकी फिजिकली स्ट्राइक करना, वही इसी तरह से कि हम पिक्चर प्रिंट नहीं कर सकते, हमने चेंज करना होगा स्टाइल तो पूरा प्रिंट हेड नया ला के लगाना पड़ता है, गलती हो जाए तो हम उसको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, ये बाकी सारी बातें ऐसे हैं, ये भी नॉइज़ी होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसकी बनावट में डिफरेंस है, इन दोनों की जो बनावट है उसमें फ़र्क है। इसकी बनावट वैसी ही होती है जैसे ट्रेडिशनल टाइपराइटर होता है, जैसे हमारे कीबोर्ड के ऊपर बटन्स दिखते हैं, लेकिन इसकी जो बनावट है वो थोड़ी डिफरेंट है। डेजी व्हील प्रिंटर के ऊपर जो पिन्स लगी होती हैं वो पेटल्स की तरह उसके इर्द गिर्द लगी होती हैं, मतलब ये राउंड शेप में होता है, इसलिए इसको व्हील का नाम दिया गया, डेजी व्हील से इसलिए कहा गया कि इसके ये राउंड शेप में होता है, इसके किनारों पे जो है वो बटन्स लगे होते हैं, उन बटन्स की मदद से फिर हम काम करते हैं, ये ऐसे गोल राउंड शेप में होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वर्किंग सारी वही है, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा कम है डेजी व्हील प्रिंटर का, जबकि डॉट मैट्रिक्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। नंबर थ्री पे जो हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं वो हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, इसका नाम लाइन प्रिंटर क्यों रखा गया? इसका नाम लाइन प्रिंटर इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक टाइम पे एट अ टाइम एक पूरी लाइन प्रिंट करने की सलाहियत रखता है, जबकि हमने पढ़ा कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर हैं ये एक टाइम पे सिर्फ एक करेक्टर प्रिंट करते हैं। तो लाइन प्रिंटर जो है वो इन दोनों की निस्बत फास्ट है, एक टाइम पे एक पूरी लाइन प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं, इन दोनों की निस्बत बेहतर है। लेकिन ये है इंपैक्ट प्रिंटर क्यों? क्योंकि इसमें भी पेपर को फिजिकली स्ट्राइक किया जाता है, पेपर को फिजिकली टच किया जाता है, यही वजह है कि इसको भी इंपैक्ट प्रिंटर में ही रखा गया। लाइन प्रिंटर जो है इसकी स्पीड इन दोनों से ज़्यादा है, और कितनी स्पीड है ये मेंशन है कि आपने याद रखना है, इसकी स्पीड होती है 300
टू 2400 LPM. LPM का मतलब होता है लाइंस पर मिनट. ये MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है. लाइंस पर मिनट का मतलब है एक मिनट में कितनी लाइंस प्रिंट करता है, 300 से 2400. यहीं से अंदाज़ा हो गया कि इसकी स्पीड जो है वो बाकी दोनों से अच्छी है, ज़्यादा है. लाइन प्रिंटर की भी आगे से दो टाइप्स होती हैं. एक होती है चेन प्रिंटर, एक होता है हमारे पास चेन प्रिंटर जो लाइन प्रिंटर की टाइप है, और दूसरा होता है बैंड प्रिंटर. ठीक है, तो ये हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स थे. ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है. ठीक है, तो प्रिंटर वाला जो क्वेश्चन है जिसमें जो नॉन इंपैक्ट वाला प्रिंटर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से. ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पर डिस्कशन करेंगे. यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.